तो गाइस यार अभी मैं थोड़े दिन के लिए यार बाहर गया हुआ था यार, अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर गया था। तो आखिरकार वापस अपने घर पे आ चुका हूँ। शिनचैन और चॉप से यार बहुत दिनों से मिला नहीं हो, तो फटाफट चलते इन दोनों से मिलते हैं, देखें इनके क्या हाल है और मेरे घर के क्या हाल है। इतने दिनों से इन घर को मैंने देखा भी नहीं था। और ये अब ये क्या हो रखा है बे? अरे इतने सारे डब्बे अब्बे इधर क्यों पड़े? इतने ज्यादा डब्बे, पूरा कचरा हो रखा है इधर तो। अबे किसने कर दिया? अबे मुझे लगता है शिनचैन इधर है ही नहीं, मुझे लगता है ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। चलो ऊपर चल के देखते हैं इतने सारे डब्बे क्यों फैले हुए इधर। अबे शिनचैन, ओ शिनचैन। और यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे बोतलें भी गिरी पड़ी है। अबे क्या चल रहा है, चोरी वोरी हुई क्या? अबे सामने शिनचैन खड़ा है। अबे यहाँ पे भी अबे क्या क्या चीजें रखी, इतना सारा खाना फैला रखा है। अबे शिनचैन यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई लड़ाई वड़ाई हुई है? अरे देखिए आ गया कि यार, अरे मैं तो आ गया, पर ये इतना सारा खाना क्यों फैला हुआ है? यहाँ पे कोई चोरी वोरी हुई क्या? अरे फेंकी भाई कोई चोरी नहीं, यहाँ पे तो मैं ही रहता हूँ, इसे मैंने फैला है। अबे इसको समेटेगा कौन भाई, पूरा कचरा कर दिया मेरा घर। अरे फेंकी भाई तो क्या हो गया? अरे फेंकी आपको एक चीज बतानी है। अबे क्या हो गया? अरे फेंकी जो नीचे हमारे ये रूम है ना, इसमें से किसी की आवाज आ रही है। क्या इसमें से आवाज आ रही है? अबे तो बहुत टाइम से बंद है। अरे नहीं फेंकी भाई, इसमें से पक्का कुछ आवाज आ रही थी। अरे भाई इसमें से कैसे आवाज आ सकती है, तो बहुत टाइम से बंद हो रखा है। अरे फेंकी वो मुझे नहीं पता यार, बहुत तेज आवाज आ रही थी। अच्छा भाई आवाज आ रही थी। अरे ये जो घर है ना अपन को लेस्टर ने गिफ्ट किया था, तो यार वो लेस्टर के पास ही मुझे लगता है चाबी होगी इन वाले रूम की, क्योंकि जब से हम इस घर में आए तब से मैंने ये वाला रूम खोला तो नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं लेस्टर के पास, देखते हैं भाई कौन सी आवाज आ रही है। तो अभी फटाफट चलते हैं लेस्टर के पास। तो गाइस यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और यार बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और अभी अपन चलते सीधा लेस्टर के पास। और हाँ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके फॉलो करो। तो अभी मैंने यार लेस्टर से बात कर दी, उसने मुझे बुला लिया इस साइड पे। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके और यहाँ पे अपना लेस्टर खड़ा है। और ये गाड़ी किसकी भाई, बहुत ही खतरनाक वाली गाड़ी लेके आए। अरे लेस्टर भाई सुन। अरे फ्रैंकलिन बता यार क्या हो गया, तूने मुझे क्यों फोन किया था? अरे मेरी बात सुन, जो तूने मुझे यार घर गिफ्ट किया था ना 5 साल पहले, उधर यार नीचे की तरफ यार 4-5 रूम है जो कि यार खुलते ही नहीं है, उनके हमारे पास चाबी भी नहीं है। और यार वहाँ पे अजीब अजीब से आवाजें भी आ रही है, तो यार वहाँ पे चाबी देना, हमको देखना चाहते कि अंदर क्या है। अरे वहाँ पे तुम नहीं जा सकते। अरे ऐसा क्या सामान है? अरे मैं तेरे को समझाता हूँ। अच्छा मैं पूरी की पूरी बात समझ गया, मैं अभी के भी जाता हूँ उनके बेस पे और जो तेरा जना है ना उससे यार बक्सा लेके आता हूँ, फिर देखते हैं उधर क्या निकलता है। अरे जो भी निकलेगा उसका आधा आधा करेंगे। अरे हाँ देखते हैं क्या निकलता है, पहले देखने तो दे। अरे ठीक है तू जा फटाफट से। और मैं क्या बोल रहा था, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। अरे नहीं फ्रैंकलिन, अरे नहीं फ्रैंकलिन। अरे भाई दे दूंगा, टेंशन का ले रहा है ये, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तेरे को बाद में दूंगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन प्लीज मेरी गाड़ी को छोड़ दे। अरे चल शिनचैन। तो गाइस सर अभी अपन निकल चुके लेस्टर की गाड़ी पे, अभी हम जा रहे हैं बेस पे। वहां से हमें एक जने से एक बक्सा लेना जिसमें यार वो नीचे की चाबी है। और लेस्टर ने मुझे बोला वहां पे बहुत ही तगड़ा वाला खजाना छुपा हुआ है, पर मुझे समझ नहीं यार कौन सा खजाना होने वाला है, तो वो तो अपन अभी देख ही लेंगे। तो अभी अपन फटाफट से चलते हैं और वो चाबी चुरा के लेके आते हैं, मतलब वो डब्बा लेके आते हैं। तो गाइस यार सामने मुझे यार वो आइलैंड धीरे धीरे देखने लगे, वो जो बेस है वो आइलैंड पे बसा हुआ है, हमें उधर जाना है और उसके लिए चाहिए हमें एक बोट। तो फटाफट चल के यार बोट ढूंढते हैं, फिर उधर चलेंगे। क्यों शिनचैन? अरे यार फेंकी में बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे। तो चलो फटाफट से पहले ऐसे खुदा लेते अपनी गाड़ी को, और आराम से यहाँ पे हमने खुदा ली अपनी गाड़ी को। और मुझे सामने एक बोट दिख गई। अरे क्या फेंकी भी है? अरे वो देख अभी देखो दिखाता हूँ। तो गाइस यार अभी शिनचैन और मैं जाने वाले बोट पे, उस आइलैंड पे अटैक करने वाले। और यार मुझे लेस्टर ने बताया था उस आइलैंड पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली है, तो हमें बिल्कुल ढंग से देखना पड़ेगा। सामने बोट हमें दिख चुकी है, तो फटाफट इसके अंदर बैठते हैं। और शिनचैन तू भी आजा, अपन यहाँ से निकलते फटाफट से उस आइलैंड की तरफ। और वहां पे जाके आज तो हल्ला बोलने वाले। तो सामने देखो भाई आइलैंड, और उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। और भाई मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके, फटाफट से यहाँ से चलते हैं। अरे बोट का चारी पागल होकर बोट आ रहे हैं, उनके सामने जा रही है बोट। तो बच के अरे अंदर चल वापस। अरे भाई किसी ने नहीं देखा। अरे भाई ये यहाँ पे लड़का खड़ा है, एक काम करते इसके पास जाता हूँ मैं, इसके चुपचाप यार कपड़े चुरा लेता हूँ ताकि किसी को मेरे पे शक नहीं हो। शिनचैन तू चुपचाप इधर ही खड़ा रही हूँ, मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ कैसे भी करके। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, फटाफट से इसको मारता और सारे कपड़े चुराते। ये मर यहाँ से। अबे ये कहाँ जा रहा है, पानी में क्यों गिर गया? अभी मुझे पानी में जाके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फटाफट से इसके जैसे कपड़े पहन लेते हैं। तो भी यार इसके जैसे मैंने बिल्कुल कपड़े पहन लिए। शिनचैन अपने यहाँ पे छुपा हुआ ढंग से, अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। शिनचैन बिल्कुल ढंग से छुपा रही है, कुछ भी दिक्कत मत करियो। सामने यार बहुत सारे जने खड़े, आप देख सकते हो भाई कितनी सारी सिक्योरिटी है यहाँ पे। पानी वाली सिक्योरिटी, पानी के अंदर अंदर छान छान मार के सबको मारते हैं। तो अभी उनको बिना रुके सीधा अंदर जाना चाहिए। अरे तेरी ड्यूटी तो इधर क्या करने आ रहा है? अरे वो थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है इसलिए। अरे ठीक है जल्दी से फटाफट से अंदर चलते। भाई भागो यहाँ से, भाई बहुत डर लग रहा है मुझे। तो अब एक काम करते हैं, इनको मारना चालू करते हैं। अगर इनको मारूंगा नहीं तो ये सबके सब इधर उधर भागेंगे नहीं, और अगर भागेंगे नहीं तो जो जाना है जिससे मेरे को डब्बा लेना वो बाहर निकलेगा नहीं। तो फटाफट से इसको मारते। ये ले आज तो मैं सबको मार दूंगा। यहाँ पे पता नहीं कौन कौन खड़े यहाँ पे जिम बॉडी बना रहे थे अपनी, पर मैं इनको सबको मार देता हूँ। फटाफट से पूरा का पूरा खत्म करते हैं और फिर उस जने के पास जाते हैं जिसके पास डब्बा है। फिर हमें मिलने वाला है बहुत ही तगड़ा वाला खजाना। तो भी मैं यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत सा जगह इसको फटाफट से मारते, येला येला येला, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और एक ऐसे नहीं कि मैं यार उसको ही मार दूं जिससे मैं वो डब्बा ले रहा, तो मेरे को बिल्कुल ढंग से रहना पड़ेगा। वो यहाँ पे एक वर्कर है। अरे मुझे मिल गया, अरे भाई वो जल्दी लेस्टर ने मुझे भेजा, डब्बा दे मुझे। अरे कल से डब्बा मैं नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं देगा भाई, जल्दी डब्बा देना। मैं नहीं दूंगा। अबे देता है कि मारू गोली साले, देते माँ भून दूंगा तेरे को। अरे अरे दे रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। अरे ये कहाँ से आ रहा है, इनको मारो फटाफट से यार। तो भी यार मुझे यार वो डब्बा मिल चुका और मुझे यहाँ से निकलना फटाफट, इन गार्ड्स को मारते हैं, उनके हेलीकॉप्टर में यहाँ से चुरा के निकलने वाला हूँ। मैंने यार शिनचैन को मेरे को बीच में बोलना पड़ेगा कि वहाँ से निकले फटाफट से। तो यार अब मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया, तो फटाफट से हेलीकॉप्टर के बैठते अंदर और यहाँ से फटाफट से निकलते। वो डब्बा तो अपन को मिल चुका है, यानी वो खजाना अपने बस हाथ लगने वाला है, बस हमें यहाँ से निकलना है। तो फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। और ये क्या ही हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर को मैं बीच में यार फेंक दूंगा कहीं पे और गाड़ी वाड़ी चेंज कर लूंगा, वरना ये मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। शिनचैन अपने वहाँ पे नीचे खड़ा है, मुझे शिनचैन को पहले बोलना पड़ेगा, शिनचैन ओ शिनचैन भाग जाओ वहां से, जल्दी भाग। अरे टेकी फेंकी भाग रहा हूं, अरे जल्दी मुझे बिठा लो। अरे मैं बिठा नहीं रहा, बोर्ड पे आ जा। तो फटाफट से यहाँ से अपन निकलते हैं। तो गाइस यार अभी मैंने लेसर को यार वो डब्बा दे दिया और उसने मुझे वो चाबी दे दी जिससे यार वो नीचे के सारे सारे कमरे खुलने वाले हैं। तो लेसर मैं देखता हूँ उसमें क्या है, तेरे को बताता हूँ। अभी अपन जा रहे सीधा अपने घर पे और देखते हैं रूम में हमें क्या मिलने वाला है, कौन सा खजाना वहाँ पे छुपा हुआ है। तो अभी हम अपने घर पे बस यार पहुंचने वाले। मैंने शिनचैन को तो बोल दिया था कि वो घर पे अभी पहुंच ही गया होगा। तो अभी फटाफट चलते, देखते यार मैं तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा कि उस घर के नीचे जो रूम में पता नहीं क्या मिलने वाला है। तो अभी फटाफट से यहाँ से चलते हैं। शिनचैन अपना आ गया क्या? अरे शिनचैन तो यही पे है। अरे फेंकी पे जल्दी खोलो यार, मेरे को मजा चाहिए। अरे यार देख रहा हूँ, रुक जा। तो फटाफट से चलते इसके अंदर और देखते हैं ये क्या। अरे भाई साहब, अबे ये वेपन्स इधर कैसे क्या है? अरे क्या है, अबे ये कौन सा सीक्रेट रूम था, इतने सारे वेपन्स पड़े यहाँ पे। अरे शिनचैन अंदर वेपन्स पड़े बहुत सारे। चलो यार देखते हैं और भी यार क्या क्या है दूसरे वाले रूम के अंदर, चल के देखते फटाफट से इस रूम के अंदर। और भाई साहब इधर तो बहुत सारा गोल्ड पड़ा है। अबे ये असली सोना है क्या? अरे भाई ये तो असली सोना ही है। अरे भाई साहब इतना ज़्यादा गोल्ड पड़ा है यहाँ पे। अबे मुझे पता ही नहीं था, मैं 5 साल से इस घर के अंदर रह रहा हूँ और मेरे घर के अंदर इतना सारा सोना पड़ा है। अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब देखते हैं तीसरे वाले रूम में क्या है। अरे भाई ये क्या सिस्टम पड़ा है, अबे कोई कंप्यूटर वंप्यूटर पड़ा है किसी का। मुझे लगता है ये चीज़ तो यार लेसर ही काम भी होगी, तो मैं लेसर से बात करके देखते भाई। यहाँ पे तो बहुत ही मजा हो गए। हमने पहन लिया अपना बढ़िया वाला सूट। यार बता तो यार कैसा लग रहा है हमारे पास सूट, और अब तैयार हो कि नहीं हमारा नया नया घर देखने के लिए। फटाफट से कमेंट में बता दो कि अब तैयार हो कि नहीं, और हम चलते हैं सीधा अपने नए घर की तरफ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो यार और सब्सक्राइब भी करो यार। ओ भाई साहब बहुत ही बढ़िया घर है। गाइस यार मैंने क्या किया यार, लेसर को सारे के सारे पैसे दे दिए और मैंने बोला कि एक बहुत ही बढ़िया वाला घर है मुझे दे दे। और उसने भाई साहब एक वाटरफॉल मेंशन दे दिया मुझे। भाई वाटरफॉल के बीच बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ से चलते हैं। एक तेरे यहाँ पे बस रास्ता नहीं है यहाँ से आने जाने का, वो मेरे को बनवाना पड़ेगा। और यहाँ से चलते हैं अपन फटाफट से नीचे और इसके ऊपर जस्ट हमारा घर बना हुआ है। आपको दिखाता हूँ पूरा हमारा घर, कितना ज्यादा बढ़िया घर है यार ये। यहाँ से हमारी एंट्री से घर के और यहाँ पे घुसते ही हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा है। भाई साहब कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है हमारा गोल्डन हेलीकॉप्टर। और यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस शुरू होती है, इसके अंदर चलते हैं। और ये देखो भाई साहब, यार मैं भी यार पहली बार देख रहा हूँ ये वाला घर यार, कितना ज्यादा बढ़िया, इतनी बढ़िया घड़ी लगी हुई है। और नीचे तो देखो भाई वाटरफॉल से बह जा रहे हैं भाई। अगर ये कांच टूटे तो भाई सीधा नीचे जाएंगे पानी में भाई, पर ये कांच टूटने वाले क्योंकि ये बहुत ही महंगे वाले ग्लास है, अमीरों के ग्लास है, इसलिए ये नहीं टूटने वाले। और यहाँ पे अपना किचन है, यहाँ पे एक फ्रिज है और यहाँ पे भी सामने वाटरफॉल का व्यू आ रहा है। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे चल के देखते हैं। और यहाँ पे अपना बेडरूम, वो भी इतना ज्यादा बड़ा। और यहाँ पे इतने सारे पैसे भी पड़े हैं। और यहाँ पे भाई क्या क्या चीजें, मतलब क्या चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर भी पड़े हैं। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे अपना बाथरूम। भाई साहब यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया घर है। आपको कैसा लग रहा है फटाफट से यार कमेंट में बता दो यार। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। एक सेकंड भाई साहब, अबे ऊपर इतनी सारी बाइकें, अबे ये क्या चीज़ है। अरे भाई साहब, अबे भाई यहाँ पे क्या क्या पड़ा है मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अबे ये लेस्टर ने अपने काम के लिए बनवाया है कि भाई यहाँ पे हैकिंग नहीं करने के लिए बुलाया है। एक सेकंड, मुझे कुछ ऊपर भी बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ दिखी है, मुझे ऊपर जाना है। अच्छा यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है। अबे मेरे को अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा भाई साहब, कुछ ना कुछ तो है ऊपर कन्फर्म। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे खड़ी है बहुत सारी बाइक्स। भाई इसका नाम वाटर मेंशन रखूँ कि बाइक मेंशन रखूँ भाई साहब। इतनी सारी बाइक, मतलब इतनी सारी, 1 2 3 4 5 6 भाई बहुत सारी बाइक है, मतलब यार बहुत सारी। और यहाँ पे क्या पड़ा है, और यहाँ पे इतने सारे पैसे, गोल्ड। अबे भाई ये लेस्टर ने, मुझे लगता है लेस्टर ने जब यार मैंने उसको सारे पैसे दे दिए थे ना, तो थोड़े पैसे बच गए होंगे, इसलिए सारे इधर खड़े कर दिए भाई सब। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, मस्त हमारा गोल्ड वाटर बाइक मेंशन। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बताना यार कैसी लगी वीडियो, हमारा नया मेंशन कैसा लगा, इसका नाम हम क्या रखें वो भी आपको बता दो, क्योंकि इसमें हर चीज है तो क्या नाम रखें वो भी जाके कमेंट में बता देना। और यहाँ पे हमारा गोल्डन हेलीकॉप्टर भी है। तो गाइस यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।